नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूँ रेडमी वाई वन मोबाइल के बारे में, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था ये मोबाइल, और मेरे पास अभी आया हुआ है, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं इसकी क्वालिटी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, तो फ़ोन की क्वालिटी देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको फ़ोन में 5.5 इंची की डिस्प्ले मिल रही है। 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है इसका, और इसका स्नैपड्रैगन 435 ड्यूल कोर है, और ये 32 GB इंटरनल है इसका, और 3 GB रैम है। तो फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखिए ड्यूल सिम FDP LTE सब चीज़ सपोर्टेड है यहाँ पर, और 5.5 इंची की डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी ब्यूटी कैमरे की क्वालिटी के साथ मिल रहे हैं हमको, और फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर हमें, जो कि काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और ये ब्रांड जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, मेड इन इंडिया दिखा रहा है। तो फ़ोन तो ऐसे इसका ये MAI नंबर है ये मोबाइल का, यहाँ पर सब चीज़ें दिया हुआ है। और मैं इसको जा रहा हूँ खोल के देखता हूँ कि इसमें है कैसे कैसे मोबाइल हैं। ये इसका हो गया गाइड कार्ड, जो हमको बताता है कि मोबाइल को कैसे हम यूज करें। और ये हो गया इसका मैनुअल कार्ड। तो दोस्तों मोबाइल की तो खासियत काफ़ी अच्छी है। ओ मोबाइल तो दिखने में बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश दिख रही है। वाह क्या मोबाइल है। और इसका वेट भी बहुत ही हल्का है, जो जिसे हम खोजते हैं कि मोबाइल में मतलब क्वालिटी जैसी होनी चाहिए। वेट एकदम पकड़े मोबाइल तो लगे कि हाँ मोबाइल पकड़े ही नहीं है। यहाँ पर देखिए चार्जर, यहाँ पर दो दो स्पीकर साउंड दिए हुए हैं, यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है मोबाइल का सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, और एक कैमरा है बैक, और इसका फ्लैश, और यहाँ पर सिम स्लॉट दिया हुआ है, सिम को आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम और लॉक करने वाला ऑप्शन है यहाँ पर, और ये आपका हो गया सेंसर, और ये हो गया फ्लैश, और ये हो गया हेडफोन, ये फ्रंट कैमरा हो गया, ये फ्लैश और सेंसर हो गया। मोबाइल तो ऐसे दिखने में बहुत ही अच्छी है, और इसका वेट बहुत ही हल्का है, जो चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलते हैं हम इसको खोलते हैं, देखते हैं। अब चलते हैं हम डायरेक्ट इसमें, थोड़ी सी इसकी टच देखा जाए, तो टच तो ऐसे बहुत अच्छी है, काम भी बहुत फास्ट कर रही है टच। मोबाइल में कोई दिक्कत तो दिख नहीं रहा है, मोबाइल तो ऐसे बहुत अच्छी है। अब इसके सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं इसका। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारा इंटरनल 32 GB वहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हमें अवेलेबल यहाँ पर 21.83 GB ही टोटल मिल रहे हैं। टोटल हमको 25 GB मिल रहे हैं, जो बाकी ऐप्स को छांट कर हमको 21.83 GB हमको अवेलेबल मिल रहे हैं। आइए अब यहाँ पर फ़ोन की देखें कि ये फ़ोन का वर्जन क्या है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इसका न्यू वर्जन है वो 8.5 फोन, सीपीयू इसका ओक्टा है, ओक्टा कोर 1.40, प्रोसेसर रैम इसका 3 GB, इंटरनल मेमोरी है इसका 32 GB, लेकिन हमको टोटल मिल रहे हैं 21.83 GB। फ़ोन की ऐसे बात करें तो फ़ोन बहुत ही काफ़ी अच्छी फ़ोन है। प्राइस के हिसाब से 9000 में इसको ख़रीदा गया है, लेकिन फ़ोन 9000 के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी दे रही हैं, जिसको हमें ज़रूरत है। अब आइए कुछ टेस्टिंग कर लिया जाए कैमरे के बारे में। तो जैसे हम बैक कैमरे से खींच रहे हैं फ़ोटो, और उसको देखते हैं जूम कर कि इसका फ़ोटो फट रहा है कि नहीं फट रहा है। जैसे मैंने फ़ोटो क्लिक किया यहाँ पर, फ़ोन को चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप प्लीज़ अगर आपको ये मिले तो ज़रूर आप भी लीजिएगा फ़ोन, क्योंकि बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फ़ोटो खींच कर, मैंने इस फ़ोटो को जूमिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं फट रहा है, एकदम फ़ोटो जैसे है वैसे ही दिख रहा है। यानी मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है,
रेडमी वाई वन मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत ही तगड़ा है, और बैक दोनों भी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप भी अगर मिले मौका तो अभी इसको ज़रूर मंगाइएगा। इसके बारे में थोड़ा सा भी मत सोचिएगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो इस फ़ोन में हमको मिलनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि सैमसंग के फ़ोनों में इतने रेंज में हमको कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और रेडमी एक एम आई सेट है कि जो हमें इतनी इतनी कम रेंज के में भी हमको इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी देती है। तो कैमरे की क्वालिटी धांसू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फ़ोन चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसका टच वच सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और वेट का भी बात करें तो वेट भी काफ़ी अच्छा है मोबाइल का। ज़्यादा मतलब हाथ में पकड़ने पे ऐसे होता है कि भारी वैसे कुछ भी नहीं है, वेट एकदम हल्का है। और इसका सबसे मज़ेदार है